दौड़ने की पोजीशन में, आपके कोई कंधे पर हाथ न रखने पाए, सबसे पहली बात कंधे पर हाथ न रखने पाए, और आप भी किसी के कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे, दोनों ऐसे ये जो उंगलियां होती जमीन पे रख करके बैठेंगे, और सतर्क तरीके से आप कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 400 मीटर के 4 राउंड बोले तो 1600 मीटर कैसे क्लियर करें। भारतीय सेना की जो कि अहम रेस है 1600 मीटर, इसको कैसे क्लियर करें। साथियों, अगर आपकी 5:20 भी टाइमिंग है, 5:25 भी टाइमिंग है, साथियों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप फिर भी एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई करेंगे, आप भारतीय सेना में एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई करेंगे। क्यों, टाइम आपका 5:20 5:25 क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो आप गलतियां करते हैं, केवल मैं ऐसा नहीं कि कुछ मैं ऐसा चीज़ें बता दूंगा क्या ग्राउंड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, जो आप लोग गलतियां करते हैं वह नहीं करना है। और आप 5:25 हो या 5:20 हो, आप भारतीय सेना में एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका पंडाल बनाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों को एकत्रित किया जाता है, रोका जाता है, तो वहाँ से आपको ग्राउंड तक ले चलेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, होता क्या है, जब आपको रात में या उनका जो भी टाइम होता है बुला लिया जाता है, जहां पे सारे बच्चे एकत्रित होते हैं, वहां पर आपको समय से ही पहुंचना है जो आपका रिपोर्टिंग टाइम हो, और वहां पर जाने के बाद आपको व्यवस्थित थोड़ा हाथ पैर सही करके लेट जाना है या फिर सही से बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से बैठे हैं और आपके पैर वहीं से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं आप साथियों यही समझ लीजिए कि एकदम छोटे छोटे से पॉइंट आपको नोटिस करना है, तभी आप भारतीय सेना में एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं और भारतीय सेना की एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई कर देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने बैठने उठने पर ध्यान देना है, फिर आपको वहां से ग्राउंड की ओर लाया जाएगा। तो आपको वहीं से 100-100 का बैच बनता है, जो कि जब 100-100 बच्चे दौड़ाए जाते हैं, तो वहां से 10 या 30 की टोली बना के आपको छोड़ेंगे। ये खासकर तो अभी AMC सेंटर लखनऊ के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही अभी भर्ती आयोजित होने वाली है, और जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, आपको क्या करना है, वहाँ से ही आपको एक्टिव होकर चलना है और कोशिश ये करना है कि हमको आगे बैठना है। फिर आपको जब रैली ग्राउंड के अंदर ले आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सही से बैठना है, मार नहीं खाना है, फौजी जो भी होंगे तो आपको सतर्क तरीके से रहना है, उनसे मार नहीं करना है और कोई भी गलती नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आप वहां पर मारे जाएं। ठीक, उसके बाद जब आपको, अब सीधा ले चलते हैं आपको ट्रैक पे, जैसे ही आपको ट्रैक पर ले जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि आगे बैठना है। कोई बात नहीं, अगर आप आगे नहीं बैठ पाते, बीच में है, सबसे पीछे है, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका बैच अब 100 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 100 का, मात्र 100 का बैच बन रहा है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तब दिक्कत होती थी जब 250, 300, 350, 400 बच्चों का बैच बनता था, लेकिन अब मात्र 100 बच्चों का बैच बन रहा है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात, जब आप इस ट्रैक पे बैठेंगे, यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको बातचीत नहीं करना है, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है कि हाँ, मैं भारतीय सेना की रनिंग करने आया हूं और यहां पर मैं एक्सीलेंट रनिंग करके जाऊंगा, 100 का फिजिकल करके जाऊंगा और अपने माता पिता का सपना साकार करूंगा, 100 का फिजिकल, ठीक है, 60 नंबर रनिंग के और 40 नंबर बीम के। तो यहां पर कैसे आपको सतर्क रहना है साथियों, सबसे पहली बात आपको एक्टिव होकर बैठना है। हाँ, जब बैठना है तो कुछ ना कुछ हाथ पैर हल्का फुल्का चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 10 से 12-15 मिनट बिठाया जाएगा, उसके बाद आपको गो बोला जाएगा। तब तक आपको वहाँ के जो CO साहब होते हैं, आपका जो भी अफसर होता है, वो आपको कुछ ना कुछ बातें समझाते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से सुनना है, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं सारी बातें सुनने में, और वहाँ पर गो बोल दिया जाता है, वो बैठे रह जाते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, उनका सपना यहीं पर टूट जाता है, या फिर उनके ऊपर से कोई बच्चा निकल जाता है, या फिर कोई ना कोई वो चोटिल हो जाते हैं। तो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना है। हाँ,
थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले कर लीजिए, फ्रेश व्रश होना है पहले हो जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम एक्टिव होकर बैठना है, एकदम शांति के साथ बैठना है। फिर उसके बाद जब भी आपको कुछ बातें, जैसे सीओ साहब होंगे वो आपको समझाएंगे, तो उनको ध्यान से सुनना है और उनका जब गो हो उस पर एकदम एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम सुन रहे हो और बिल्कुल किसी बात से आपको मतलब ही नहीं है। हाँ, सारी बातें ध्यान से सुनते हुए आपको गो पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद आप चाहे यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, कोई मतलब नहीं। पहला राउंड आपको कैसे क्वालिफाई करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले राउंड को कैसे क्वालिफाई करना है, मतलब पहले राउंड को कैसे पूरा करना है। साथियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मात्र 200 मीटर के होते हैं, 300 मीटर या 400 मीटर वाले होते हैं, जो कि उनको रनिंग करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है और वो 100 मीटर 200 मीटर एकदम दबा के खींचते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। उन्हीं के साथ आप भी वही गलती करते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आपको इस हिसाब से चलना है कि 1 मिनट 10 सेकेंड, आपको अब आप सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं 1 मिनट 10 सेकेंड, वहां पर कोई स्टॉप वॉच तो होगी नहीं, लेकिन अगर आप 4 महीने 5 महीने से तैयारी कर रहे हो और 1 मिनट 10 सेकेंड का अनुभव नहीं, तो आपका भारतीय सेना में तैयारी करना भी बेकार है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस बहुत मायने रखता है एक भारतीय सेना की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। वो ऐसे ही देख के बता देगा कि ग्राउंड कितने मीटर का है, ठीक है, और ये भी बता देगा कि मैं इतने मिनट में इसको क्वालिफाई करूंगा। तो आपको एवरेज टाइम 1:10 का लेके चलना है पहले राउंड में। हाँ, गलतियां कौन सी नहीं करनी, थोड़ा जब हाँ जब गो बोलेंगे तो उसके पहले की बातें समझ लीजिए। आपको कैसे बैठना है, एकदम सतर्क होकर बैठना है, जैसे दौड़ने की पोजीशन में, आपके कोई कंधे पर हाथ ना रखने पाए, सबसे पहली बात कंधे पर हाथ ना रखने पाए, और आप भी किसी के कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे, दोनों ऐसे ये जो उंगलियां होती जमीन पे रख करके बैठेंगे और सतर्क तरीके से आप अपने सामने थोड़ी सी जगह बना के बैठेंगे, कम से कम एक आदमी जितना, मतलब एक आदमी जितने में बैठ जाए उतनी जगह बना के ही आप बैठेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर बैठाते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फिर आपको पहला राउंड गो करना है और 1:10 में पहला राउंड क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिर जैसे ही पहला राउंड क्वालिफाई होता है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं टोटल वहां पर 100, मुश्किल से बच्चे बचते हैं एक राउंड के बाद 70, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे चलते रहना है, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 आपको काटते रहना है, फिर दूसरा राउंड क्वालिफाई करना है। हाँ, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि छूट गया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बच्चा पीछे से क्रॉस करके आपको काटने की कोशिश कर रहा है और वो पीछे से आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र उसके साथ, अगर वो आपको ओवरलैप कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो आपको मात्र उसके साथ 10 सेकेंड 100 मीटर 150 मीटर लगातार उसी के साथ चलना है। अंत वही होगा कि अंत में वह हार मान जाएगा, या तो वो रुक जाएगा या तो फिर आपके पीछे चला जाएगा। आपको अगर वो क्रॉस करना है तो कर रहा है, तो आपको तुरंत डाउन नहीं होना है, कम से कम 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 25 सेकेंड आपको उसके साथ चलना है, और वह अंत में रुक जाएगा या फिर आपसे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये खुद का एक अनुभव है, ये कहीं की टिप्स ली हुई नहीं है, ये खुद का अनुभव है, तो आप साथियों इसको एक बार ट्राई जरूर करना। क्या गलती नहीं करनी, पीछे घूमकर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। हाँ, आगे जरूर देखना है, आगे आपको दूसरा राउंड कवर करते करते आपको समथिंग 50 बच्चों के अंदर पहुंच जाना है, आपका नंबर 49, 48, 47 होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपको ऐसा करना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप की टाइमिंग 5:20 है कोई मतलब नहीं, 5:30 है कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है, या समझ लीजिए कि या मेरी रनिंग का आज आखिरी दिन है, इसके बाद आज से हमको रैली ग्राउंड पर नहीं दौड़ना है, इस हिसाब से आपको रनिंग करनी है। तो कैसे, क्या करेंगे आप, तीसरे राउंड में इतना कवर कर लेना है कि आपको 35 बच्चों में थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही है, आपको क्या करना है, 35 बच्चों में आपको आ जाना है, 35 बच्चों के बीच में आपको तीसरे राउंड तक कवर कर लेना है, और जब आपका फाइनल राउंड होगा तो आपको पूरी ताकत झोंक देनी है, जरा सा भी एनर्जी बाद में बचनी नहीं चाहिए, लास्ट का 200 मीटर ऐसा उठाना है कि बिल्कुल खत्म हो जाओ, लेकिन फिनिश तक पूरा जोर लगाना है, और आपका नंबर ऐसे ही करके 25, 20, 18, 10 के आसपास आ जाएगा, अगर आपकी टाइमिंग 5:30 है .25 है तब, और अगर आप 5 के हैं या 5 के अंदर के हैं, 4:48 50 वाले या 55 वाले हैं, तो आप एक्सीलेंट रनिंग को
एक्सीलेंट ही रनिंग क्वालिफाई करेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपनी अपनी रनिंग को क्वालिफाई करना है, ठीक है साथियों। तो किसी प्रकार की गलती नहीं करनी। हाँ, अगर आपका कोई भी व्यक्तिगत क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर जो कि एकेडमी का मोबाइल नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 9455347294 9455347294 पर आप मैसेज अगर करेंगे तो केवल जय हिंद टाइप करेंगे। आप हाय हेलो नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे हम चिढ़ते हैं। हाय हेलो नहीं, आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो आप केवल जय हिंद टाइप करेंगे या फिर अपना नाम टाइप कर सकते हैं। हाय हेलो मत लिखना भाई, कतई मत लिखना, और ये गुड मॉर्निंग वार्निंग वाले बिल्कुल भी मैसेज मत लिखना, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि हम आपके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करें। हाँ, जय हिंद करेंगे तो जय हिंद का जरूर रिप्लाई करेंगे, और आपकी समस्या का समाधान कैसे भी करके वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, जिस प्रकार से हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।